हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आज का इशू होगा शेकटकर कमिटी रिपोर्ट जो आई थी। ओके सो इस बारे में हम देखेंगे आज के हमारे समरी ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स के कोर्स में। सो इट्स प्रेजेंटेड बाय मी राहुल अग्रवाल। सो गाइस, रेट रिव्यू और रिकमेंड कीजिए इस कोर्स को और बताइए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंडेट क्या है कमिटी का, कमिटी क्या थी। सो बेसिकली इट्स अ 11 मेंबर कमिटी जिसके हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर। सो उन्हीं के नाम पे ये शेकटकर कमिटी, सो ये रिटायर्ड जनरल है एंड इट वाज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके सो इस पर्टिकुलर कमिटी में मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं और सिविल एक्सपर्ट्स भी हैं। ठीक है, इसका क्या मैंडेट है? इसका मैंडेट था इन्हेंस करना कॉम्बैट कैपेबिलिटी। कॉम्बैट मतलब क्या होता है? जब जो लड़ाइयाँ वगैरह आर्मी करती है, ठीक है, सो उन जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी होती है किसी भी फोर्स की, उसको इन्हांस करना। ओके सो बेसिकली अगर हम कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और अच्छे से डिफाइन करूँ मैं, तो मान लो कि पीस टाइम है, वॉर की कंडीशन नहीं है। ठीक है, आर्मी एकदम पीस टाइम है, सब कुछ मतलब सही से चल रहा है, तुरंत पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया और वॉर की कंडीशन हो गई। सो आर्मी एकदम रेडी रहे उस सिचुएशन के लिए, जितनी ज़्यादा वो रेडी रहेगी उसको बोलेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉम्बैट रेडीनेस है। ठीक, ये तो हो गई पीस टाइम की बात। और अगर वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही, कंटिन्यू है लड़ाई, तो फिर हम कॉम्बैट कैपेबिलिटी को डिफाइन करेंगे बैटल रेडीनेस के हिसाब से। मतलब कि क्या कोई भी फोर्स कितनी ज़्यादा रेडी है वहाँ से, जो सामने से ऑपोजिशन से कंटिन्यूस जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वापस से रिटेलिएट करने में। ओके सो ये जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसको इन्हांस करना और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपेंडिचर को रीबैलेंस करना, जिससे कि डिफेंस जो हमारे जीडीपी का जो हम प्रतिशत डिफेंस में खर्चा करते हैं उसको एक तरह से इंक्रीज करना, जिससे कि हम हमारे फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर पाएं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी हैं डीबी शेकटकर ने, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे अपॉइंट किया था। ओके सो इट विल ऑल्सो इंश्योर इंडियाज कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल आर इनहेंस्ड विद अ बेटर टीथ टू टेल कॉम्बैट रेशियो। अब ये टीथ टू टेल या फिर टूथ टू टेल रेशियो क्या है? बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो रेशियो होता है, इट्स रेशियो ऑफ, मतलब किसी भी फोर्स में दो दो विंग्स होते हैं। एक होती है आर्मर्ड विंग्स, जो कि मतलब लड़ाइयाँ वगैरह की जो फाइटिंग आर्म्स जिसे हम कहते हैं, जो कि इन्फेंट्री वगैरह हो गई, ठीक है, जो कि एक्चुअल लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे होते हैं सपोर्ट सर्विसेज, जो कि बाकी सारी चीज़ों में फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स हो गया, सिग्नल्स, ऑर्डिनेंस, ये सारी चीज़ें। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, इसे कहा जाता है टूथ टू टेल रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हायर टूथ टू टेल रेशियो है, दैट मीन्स हायर अमाउंट ऑफ फाइटिंग आर्म्स। ओके सो हायर अमाउंट ऑफ फाइटिंग आर्म्स मतलब कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज द टूथ टू टेल रेशियो, और इसी को जो है बेटर करने का एक तरह से इस कमिटी ने काम किया है अपने रिकमेंडेशन में। ओके और कुछ रिकमेंडेशन अगर हम देखें तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे मेजॉरिटी ऑफ रिकमेंडेशन को मान लिया जाएगा अगले 5 साल में, तो गवर्नमेंट लगभग 25,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। ठीक, सो जो मतलब खर्चा तो हो रहा है लेकिन सही दिशा में खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम सेव ऑन करें तो इतना ज़्यादा सेविंग अप हो सकता है। अब जो इससे सेविंग होगा, सेविंग जो रिकमेंडेशन की मदद से होगा, इसका यूज़ होना चाहिए इन्हांसिंग द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। ठीक, ऐसा नहीं हो कि उस पैसे को आप जनरल बजट में यूज़ करके जीएसटी में लगा दो, ठीक है, या हाईवे बना दो, ऐसा नहीं। जो भी बचत होगी उससे, जो भी बजट के एक्सपेंडिचर से मतलब गवर्नमेंट को बचत होगी इस रिकमेंडेशन के बाद, उस पैसे को भी आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में ही, इन्हांस करने में ही लगाना है, ये रिकमेंडेशन दिया है। डिफेंस बजट को बढ़ा के 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी किया जाए, ठीक है। रिव्यू द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू बजट हेड्स इन द फंड्स अलोकेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस, पर्टिकुलरली द इंडियन आर्मी। ओके सो होता यह है कि रिवेन्यू कंपोनेंट जो होता है ना, डे टू डे कॉस्ट, सैलरीज, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, कैपिटल आउटले से ज़्यादा होती है। अब कैपिटल आउटले मतलब कि फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना, नए नए उनको आर्म्स प्रोवाइड करना, उनके लिए मतलब शूटिंग रेंजेस, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें कैपिटल आउटले में आती हैं। सो हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट रिवेन्यू कंपोनेंट में तो खर्चा करती है, बाकी सारी डे टू डे सैलरी, कॉस्ट, उनके रहने खाने पीने, इन सारी चीज़ों पर तो खर्चा हो जाता है, लेकिन कैपिटल आउटले पर खर्चा नहीं होता। सो कैपिटल और रिवेन्यू बजट
हेड्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं ना, उनको एक बार फिर से रिव्यू करके उसको सही करना, ये इसका रिकमेंडेशन है। अ रोल ऑन प्लान फॉर फ्रेश एक्विजिशंस बी इंट्रोड्यूस सो एज टू ओवरकम द प्रैक्टिस ऑफ सरेंडरिंग फंड्स। अब होता ये है ना कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, बजट मान लो इंडियन आर्म फोर्स को दे दिया कि भाई 100 रुपये आपका बजट है, लेकिन हो सकता है उस साल किसी वजह से 80 रुपये ही खर्च कर पाए, ठीक, तो जो 20 रुपये बचते हैं ना वो क्या होता है कि वापस से जो है गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता है, जिससे कि वो फिर से नेक्स्ट ईयर के बजट में उसका यूज़ हो। सो दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग। और इसी को बताया गया इस आर्टिकल में कि मतलब ये ना करते हुए एक रोल ऑन प्लान करना चाहिए कि भाई वो जो 20 रुपये बचे हैं वो खुद से ही अपने आप आर्मी के अगले साल के बजट में एड ऑन हो जाए। ओके, सो ये रिकमेंडेशन दिया है कि मतलब अगर 100 रुपये में 80 रुपये खर्च हुआ है, 20 रुपये बचा है, तो अगले साल अगर गवर्नमेंट 100 रुपये दे रही है तो वो 20 रुपये ऐड होकर 120 रुपये हो जाए, समझ गए आप, जिससे कि अगर किसी वजह से एक्विजिशंस में या किसी भाई हम देखते हैं हमारे परचेसेस होते हैं बाहर से, हम कभी रशिया से ये लेते हैं, कभी कहीं से कुछ लेते हैं, कभी इसराइल से कुछ लेते हैं, सो मामला अटक जाता है, हमारे पैसे खर्च नहीं हो पाते। ओके, सो उस वजह से ऐसा ना हो कि मतलब वो पैसे आर्मी के लॉस्ट हो जाएं, वो रोल ऑन हो इन स्पाइट ऑफ सरेंडरिंग। रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इनहांसिंग फाइनेंस पावर ऑफ ऑल द 3 चीफ्स एंड वाइस चीफ्स, ठीक है, सो जो फोर्सेस के चीफ्स और वाइस चीफ्स हैं उनकी फाइनेंशियल पावर को इंक्रीज की जाए। भाई अभी होता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, सो उसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी मतलब डिवोल्यूशन, थोड़ा सा मतलब हमें कंट्रोल चीफ्स को, जो आर्मी चीफ्स हैं या फिर एयरफोर्स चीफ्स हैं या जो भी है, उन चीफ्स को देना चाहिए, जिससे कि मतलब हर बार किसी भी काम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो दखल अंदाजी है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो सके, और जिससे कि मतलब जो एक्विजिशंस हैं उसमें एक तरह से स्पीड गैदर हो सके, उसमें एक तरह से पेस ऑन हो सके, ठीक है। द रोल ऑफ नॉन कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नॉन कॉम्बैट विंग होती है, जो सपोर्ट विंग होती है, उसको जो भी पैसे दिए जाते हैं उसका एक परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि भाई हाँ कितना खर्चा हुआ और सही खर्च हुआ या नहीं, तो पूरा उसका एक परफॉर्मेंस ऑडिट हो, जिससे कि मतलब आप समझ रहे हैं इस पूरी कमिटी का मेन रोल है कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। इसका मतलब कि जो भी नॉन कॉम्बैट में खर्चा हो रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं से जो फालतू खर्चा हो रहा है उसको रोकना, जिससे कि उस पैसे को बचा के कॉम्बैट में यूज किया जा सके, समझ रहे हो आप। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज फॉर ट्रेनिंग फॉर मिडिल लेवल ऑफिसर्स, ठीक है, सो एक जॉइंट लेवल जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट करना। अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो अभी 3 वॉर कॉलेजेस हैं इंडिया में, एक है मऊ में, एक है सिकंदराबाद में, एक है गोवा में, ठीक है। सो एक और बेसिकली जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट करना, और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है पुणे में, उसको एक ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट में कन्वर्ट करना, ये भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ओके, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब होता ये है ना कि भाई आर्मी को किसी चीज़ के लिए, मान लो कोई भी फोर्स है उसको लैंड चाहिए, अब आर्मी की अगर बात करें तो चलो भाई जवानों को फायरिंग करनी है, शूटिंग करनी है, उसके लिए मतलब प्रैक्टिस करनी है, तो शूटिंग रेंज के लिए ज़मीन चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट हो रही है, सब चीज़ हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन नहीं दे रही है, मामला सालों साल अटका हुआ है, सो इसके लिए क्या ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, एक समन्वय हो, जिससे कि आर्मी से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए अगर लैंड की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत वो हो सके, ठीक है। रैम्प अप द क्वांटम ऑफ ट्रेनिंग ऑन वेरियस सिमुलेटर्स, द न्यू रिक्रूट्स कैन डू अबाउट 60% ऑफ देयर फायरिंग ट्रेनिंग ऑन सिमुलेटर, सेविंग 25 करोड़ पर एनम, ठीक है। सो जो सिमुलेटर्स का यूज़ है उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि मतलब जो रिक्रूट्स है अपनी 60% ट्रेनिंग उसमें कर सकें, जिससे कि मतलब जो भी हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो सके। रीओरियंटिंग द ट्रेनिंग स्टाफ ऑफ NCC बाई यूटिलाइजिंग मोर एक्स सर्विसमैन एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि भाई जो यंग ऑफिसर्स हैं, यंग सर्विंग ऑफिसर्स हैं, वो फ्री हो जाएंगे और वो बेसिकली मेन लाइन जॉब्स में अपने आप को इंगेज कर पाएंगे, और NCC को HRD मिनिस्ट्री के अंदर शिफ्ट करना, ये भी कुछ रिकमेंडेशन है। मिलिट्री एंड डेयरी फार्म्स एबॉलिश करना, वेटरिनरी कॉर्प्स को डाउनसाइज करना, ठीक है, और साथ ही साथ जो नॉन कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स है उसको ऑप्टिमाइज करना, उसका रिव्यू करना, जिससे कि मतलब जितनी ज़रूरत हो उतने ही स्टाफ हो, ताकि उनके ऊपर खर्चा भी कम हो, ठीक है। 4-star चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, इन दोनों में से किसी एक को अपॉइंट किया जाए, जो कि मतलब मिलिट्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में कोऑर्डिनेटर बने,
तो होता ही है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिलिट्री के बीच में कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, काफ़ी सारा मतलब मामला अटका होता है, बिकॉज दोनों हेड ऑफ चीफ्स के बीच में बेसिकली कुछ मामले को लेके कई बार तनातनी चलती है, इस तरह की चीज़ें कई बार आती हैं। सो उसके लिए ज़रूरत है कि एक चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया जाए जो कि इन सारे मैटर्स को अच्छे से सॉल्व कर पाए और टाइम बाउंड एक प्रोसेस के तहत हर काम हो। ओके, सो इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को एक चीफ कोऑर्डिनेटर के लिए अपॉइंट किया जाए, ऐसा भी इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है। ओके, सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस शेकटकर कमिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेट रिव्यू रिकमेंड कीजिए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉलो मी हियर। सो हैव अ ऑसम डे।